आपके आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the common yoga protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgarni, Director Morarji Desai National Institute. जी इतना भाई, ये मास्टर है सर। मेरा कौन सा है? सबका है, ये आपका है? मेरा ये है जी। चलिए ठीक, अब हम जब ना घुटना इधर निकालेंगे, देखो हम अपना पोज जो है इस कार्यक्रम में योग प्रोटोकॉल। फेस को कवर करते हुए दोनों हाथों से वापस आ जाएंगे। थैंक यू एवरीवन। जी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीनगर से, और उन्होंने कहा कि वो कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ हुआ। उसका कारण ये भी रहा कि श्रीनगर में भारी बरसात हो गई, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान आया, लेकिन उसके पश्चात कार्यक्रम बाकायदा शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो संसद भवन के समक्ष, जो हर बरस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम होता है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे योग करते हुए। जीवन में अपनाएं, क्योंकि योग निरोगी रहने के लिए बेहद जरूरी है। सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग, निकट नहीं आएगा जीवन में कभी भी कोई रोग। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा था, योग मन को शांत करने का एक अभ्यास है। और इसी शांति से परिपूर्ण होकर आइए हम सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को पाने की शिद्दत से कोशिश की जाए तो पूरी कायनात उसका साथ देती है। आप सभी ने मिलकर योग की तरफ बढ़ाया हाथ, देखिए मौसम ने भी दिया आपका साथ। और आप सभी माननीय विशिष्ट जन आज यहाँ पर योग करने इस प्रांगण में मौजूद हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का, जो प्रत्येक वर्ष यहाँ हम सभी को प्रेरित करते हैं कि हम सब योग को अपने जीवन में अपनाएं। शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग, खुद को खुद से मिलाने का मौका है योग। नहीं होती है उनको कोई भी बीमारी जो योग करने की करते हैं समझदारी। तो आज यहाँ से एक प्रण लेकर जाइए कि हम नित्य प्रतिदिन योग को अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे। आप सभी के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है, कृपया जलपान ग्रहण कर कर जाएं। आप सभी यहाँ ध्यान, लोकसभा अध्यक्ष संसद के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ योग करते हुए नजर आ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर बरस ये कार्यक्रम आयोजित होता है और आज भी ये आयोजन हुआ और लोकसभा अध्यक्ष ने बाकायदा योग किया। उससे पहले हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी श्रीनगर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, और हर बरस अलग अलग जगह पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं, योग करते हैं और योग के बारे में संदेश भी प्रेषित करते हैं। और आज भी उनका संदेश आया श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और जैसा कि उन्होंने कहा, आप हम लोग चर्चा कर रहे थे अतुल जी, और उसी समय
मोदी जी की योग करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आप कह रहे थे कि बैक टू द रूट्स, आपने कहा श्रीनगर और कश्मीर आध्यात्म का केंद्र रहा है बरसों बरस तक, और वहीं से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मोदी जी प्रधानमंत्री वहां पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और योग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जी, वो पौधा जो उखड़ गया था या सूख गया था उसको वापस रोपित करके उसको पुष्पित और पल्लवित करने की ये अद्भुत प्रयास है, और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से 10 बरस की यात्रा पूरी हो रही है और किस प्रकार 2014 में यात्रा प्रारंभ हुई थी, और जब यात्रा प्रारंभ हुई थी तो शायद 84 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था, और सबसे कम समय अवधि में कोई यूएनओ का कोई प्रस्ताव पास हुआ है तो वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ा हुआ ये प्रस्ताव रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कई लोग योग को धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं, धर्म विशेष से इसको जोड़कर देखते हैं, लेकिन शायद 40 से अधिक मुस्लिम देशों ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया था। और आज भी प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस प्रकार बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तरीके से वृद्ध रूप से मनाया जाता है। जी, ये हम वहाँ पे ये योग दिवस बहुत शिद्दत से मनाया जाता है, और वहाँ पे इससे योग से इतना फ़ायदा हुआ है कि एक बहुत बड़े हमारे यहाँ पे एक्टर हैं, बहुत ही फेमस हैं, उनकी बहन तो मेरी मदर से सीखती थी, मेरी बहन ही बनी हुई हैं, बहुत यंग दिखती हैं, उनकी दो दो बच्चे इतने बड़े हैं, पर आप वो योग आप देखेंगे तो उनको मेरे ख्याल से 28 साल से ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो उनमें किसी और किसी भी मैंने इतने मतलब मुस्लिम से हमारे सऊदी अरेबिया से लड़कियां आती हैं, मॉडल्स आते हैं, वो सब योग करती हैं, उनको बहुत फ़ायदा है। तो ये तो अद्भुत विधा है। और नमाज जो है वो भी बेसिकली तो उसके हर पोस्चर योगा से डिराइव्ड है जी, अगर माने तो, और इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। तो योग तो बहुत प्राचीनतम विधा है, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। इसमें मुझे समझ में नहीं आता इसको धर्म से जोड़ा क्यों जाता है। ये तो एक ऐसी विधा है जो नर से नारायण बनाने की विधा है, विदाउट एनी बिलीफ सिस्टम, चेंजिंग योर बिलीफ सिस्टम। आप किसी भी बिलीफ सिस्टम के हो, इस्लाम, क्रिश्चियन, एथिस्ट, वो सब ब्रह्म बन सकते हैं। जी दिसरा जी, हम देख रहे थे आप बड़ी प्रतीक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री के बोलने की, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होने की, और आप हमें भी रोक रहे थे जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे और संदेश प्रेषित कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। मैं इस दिवस से बहुत भावुक हो जाता हूँ, इसे मैं एक अपने राष्ट्रीय नहीं अब अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में देखता हूँ, और उसी भाव से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए मैं बहुत इच्छुक था प्रधानमंत्री जी से सुनने के लिए, क्योंकि योग की विद्या जैसे अभी आपने कहा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। अगर ये है तो इस सब के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर भी क्या कहा जाता है, योग तो आध्यात्मिक क्रिया है, आध्यात्मिक और क्रिया है। अध्यात्म में और धर्म में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, धर्म जो है दूरी पैदा करता है, लेकिन आध्यात्म जो है लोगों को जोड़ता है, विश्व को जोड़ता है, विश्व को जोड़ता है। तो योग यही एक योग में शक्ति है, और मैं तो ये कहूँगा कि ये हमें फख्र होना चाहिए, हम कितने किस्मत वाले और भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म इस देवभूमि पर भारतवर्ष में हुआ जिसमें कि योग का जन्म हुआ, और योग के अंदर वो शक्ति है जो केवल भारतीयों को ही नहीं पूरे विश्व को कुछ दे सकता है। जी हाँ, आप श्रीनगर और कश्मीर के संबंध में बता रहे थे कि किस प्रकार आध्यात्म की, योग की जड़ें वहाँ पर पल्लवित हुई थी। जी, वहाँ के पूर्व गवर्नर मनमोहन सिंह जी ने जो मुझको उनकी किताब दी थी, द फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, और मेरा उनसे बताया जा रहा है कि ये जो हम लोग
विजुअल्स देख रहे हैं, डल झील के पास का है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, वो अध्यात्म का केंद्र रहा है। उस अध्यात्म के केंद्र की नगरी की जो बहुत ही फेमस एक झील है, उसके किनारे इतनी बड़ी संख्या में अद्भुत नज़ारा, ये कुछ बरस पहले तक शायद इसको हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, नेवर बिफोर, हमारे विचार में भी नहीं आ सकता था ऐसा दृश्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे इस नज़ारे के, तो सवाल ही नहीं है। और वहाँ पे देखिए सारे श्रीनगर नाम देखिए, अनंतनाग नाम दे, ये सारे हमारे प्राचीनतम धार्मिक मतलब अद्भुत नाम है, अनंतनाग विष्णु का नाम है। तो श्रीनगर की जो लेक है उसकी, उसको कश्यप ऋषि ने बनाया है। तो मतलब जो घाटी आई मीन उसकी इतिहास देखिए, देख लीजिए, जो शंकराचार्य जी की तपोस्थली कश्मीर रही है, सूर्य मंदिर था कश्मीर में, अद्भुत सूर्य मंदिर था, आई मीन शक्तिपीठ है सूर्य कश्मीर में है। तो कश्मीर तो हमारी सिरमौर, सचमुच सिरमौर था हिंदुस्तान का, वहाँ से धर्म की राज तरंगिणी लिखी गई है। तो ये योग के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग योग अभ्यास करने से अलग अलग जो शरीर के हमारे अंग हैं वो एक्टिव किए जाते हैं। वो शायद मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री हर बरस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अलग अलग जगह जाकर ये संदेश देना, संदेश देते हैं। और आज का संदेश क्या कहता है श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? आज का संदेश आप दो तरह से देखिए। श्रीनगर जहां एक आम व्यक्ति जाने से डरता था, आज वहां पर भारत के प्रधानमंत्री हजारों लाखों लोगों के साथ योग कर रहे हैं। ये कश्मीर में आया हुआ आज एक नया बदलाव योग की शक्ति के साथ जोड़ करके दिखाया जा रहा है। इसके ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री माननीय, और अलग अलग क्षेत्रों को जिस तरीके से एक्टिव कर रहे हैं। और जिस तरह से क्या होता है कि जब कहीं विकास करना होता है तो आप किसी एक क्षेत्र का कर दें दूसरे का नहीं, योग जैसे जगह जगह जाकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ये संदेश देते हैं। तो इसके साथ एक बात और हमें सोचनी चाहिए, योग हर क्षेत्र में सहायक है। अगर आप इसको शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो आज जो सोशल मीडिया में हमारे बच्चों के अंदर व्यवहार में परिवर्तन आ गया, एकाग्रता की कमी आ गई, तो अगर उन बच्चों के व्यवहार को कोई सुधार सकता है, उनके बोलने के तरीके, बड़ों का आदर करना, अच्छा भोजन करना, घर का भोजन करना, एकाग्रता को बढ़ाना, अपना पढ़ाई के अंदर ध्यान देना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना, शिक्षा के क्षेत्र में योग की जो भूमिका हो सकती है, जब इतना प्रचार और प्रसार होगा तो हमारी युवा पीढ़ी के बच्चे भी इस योग के महत्व को समझेंगे। ये कोई ऋषि मुनियों और वृद्ध व्यक्तियों की विद्या नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए भी उतना ही है। आज आप सामाजिक क्षेत्र में देख लें, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देख लें, आप अन्य किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में देख लें, राजनीतिक क्षेत्र में देख लें, आप एक राजनेता हैं, आप सुबह एक घंटा योग कीजिए, आपके शारीरिक और मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, आपके काम करने की क्षमता बढ़ेगी। अतुल जी ने तो बहुत पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री योग से जुड़े हुए हैं, लोकसभा अध्यक्ष लगातार योग किया करते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं और इतना ज़्यादा काम कर पाते हैं। इसमें एक बात बहुत खास है, आप देखिए योग की मैं महिमा बता रहा हूँ, जो योग करता है वो बहुत, हमारे मोदी जी जितना चैरिज्मेटिक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ। इनसे पहले दो प्रधानमंत्री जो जिनको चैरिज्मेटिक कहा जाता है वो रहे नेहरू जी या इंदिरा जी, दोनों तीनों ये योग करते हैं। तो योग की महत्ता को ऐसे समझिए कि पॉलिटिशियंस के लिए तो योग चैरिज्मा बढ़ाने का एक साधन है। दूसरा, सारे पॉलिटिशियंस को ट्री मतलब वृक्षासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि वृक्षासन करने से, देखिए हमारे यहाँ माना जाता है कि जो आसन आप करते हैं उसकी वृत्तियाँ आप में आ जाती हैं। जो वृक्ष होता है उसके अंदर केवल देह वृत्ति है, वृक्ष देता ही देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, छाया देता है, आपको फूड देता है, वृक्ष सूख जाता है तो लकड़ी देता नहीं, लकड़ी देता तो कुछ लेता नहीं है। तो अगर पॉलिटिशियन वृक्षासन करे, लेकिन ये जो नजारा है ना वो बहुत अद्भुत है, डल झील के किनारे का ये नजारा है अपने आप में बहुत सारे संदेश प्रेषित कर रहा है इस तस्वीर के माध्यम से। और प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अभी संदेश दिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और अब स्वयं योग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया की बात चल रही है उसके माध्यम से युवा भटक रहा है, लेकिन
इसका की दूसरी तस्वीर भी है और प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते हैं और उससे कनेक्ट भी करते हैं तकनीक को लेकर, और वो सोशल मीडिया का जो सकारात्मक पक्ष उजागर करने वाले लोग हैं उनको समय समय पर सम्मानित करते हुए भी नजर आए। तो आज का युवक केवल ऐसा नहीं है कि योग से या फिर हमारी परंपराओं से दूर हो रहा है, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो खोज भी रहा है, हमारी जड़ें खोज रहा है, योग खोज रहा है, योग के अलग अलग आयाम जो हैं वो भी खोज रहा है। तो सोशल मीडिया को आप अलग तो नहीं कर सकते आज के आधुनिक युग में, तो उसको योग के प्रचार प्रसार में किस तरीके से हम लोग उपयोग में ला सकते हैं? देखिए क्या होता है कि हमारे, अगर आप इसको इतिहास में जाए, पूरे पूर्व मतलब बहुत प्राकृतिक इतिहास में जाए, तो पहले होते थे दानव और दैत्य अलग अलग होते थे, है ना साहब। आजकल क्या है कि दैत्य और दानव दोनों ही मनुष्य में एक साथ हैं, और योग जो है वो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप योग करते हैं तो आप अपने अंदर जो देवता है उसको आप स्ट्रेंथन करते हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर आप योग करते हैं तो आप सोशल मीडिया पे जो देवता की आपकी वृत्तियाँ हैं उसी के हिसाब से देखेंगे। अगर आप योग नहीं करेंगे और पाश्विक वृत्ति की तरफ जाएंगे, डांस और ये और शराब वगैरह करेंगे, तो आप सोशल मीडिया पे गंदी वो 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 वृत्तियाँ वाली चीज़ें देखेंगे। ये तो अनुभव की बात है। तो योग इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, आप देखिए शराब है, शराब के अंदर फ्री मिलती है, हमारे घर में भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शराब मैंने कभी टच ही नहीं करी, और मेरे सामने महंगी से महंगी शराब पी गई लोगों में, लेकिन मेरी कभी इच्छा ही नहीं हुई। और इसकी ताकत है योग। तो जब आपका देवता स्वरूप आपका स्ट्रेंथन हो जाता है तो आप बुरी वृत्ति की तरफ जा ही नहीं सकते। इसलिए ये योग में कहा भी गया है कि आप अंदर जाएंगे। ये भी हम दो बातें कही जाती हैं, एक तो ईश्वर आपके अंदर विद्यमान है। योग के मार्ग पर जब प्रतिबिंब जी व्यक्ति चलता है, उसकी साधना करता है, दो बातें तो जीवन में निश्चित होती हैं, बुराई बाहर जाती है और अच्छाई अंदर आती है। जब आप अच्छाई को शुरू में प्रयास करते हो धारण करने के लिए, और वो प्रयास योग के माध्यम से किया जाना चाहिए, जब प्रयास करते करते जब वो स्वभाव बन जाए तो अच्छाइयाँ घर कर लेती है और जीवन स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग मरने के बाद मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि अगर योग के मार्ग पर चलोगे तो इस जीवन में ही स्वर्ग की अनुभूति व्यक्ति कर सकता है। केवल एक घंटे की साधना, उसके अंदर आपको अपने आध्यात्मिक पक्ष को धीरे धीरे विकसित करना होगा। और इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि आप अपने भीतर से अपने आप को आत्मचिंतन के माध्यम से पूछो कि क्या आपका निष्काम सेवा और सामाजिक कार्यों पर मन लगता है। अपने लिए और परिवार के लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना अगर कोई आपको सिखा सकता है तो वो योग सिखा सकता है। जब आप योग के मार्ग पर चलते हैं तो आपके विचार बदलते हैं, आपके संस्कार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपके निर्णय बदलते हैं, आपकी वृत्तियां बदलती हैं, आपके कर्म बदलते हैं। और जब ये बदलने लगते हैं तो आप स्वयं तो बदलते ही बदलते हो, आपके आसपास का वातावरण भी बदलता है, और आपके पास वो शक्ति आ जाती है कि आप दूसरों को भी बदल सकते हैं एक अच्छे समाज के लिए। जैसे आपने फरमाया अध्यात्म की बात, अब मैं आपको इंडियन फिलॉसफी कैसे योग से प्राप्त कर सकते हैं इसको दो मिनट में बताता हूँ। देखिए हमारे यह कहा गया है नाम रूप, एक्चुअली एसेंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी है कि आप शरीर नहीं है, आप परब्रह्म आत्मा हैं। और ये कहा गया है कि नाम रूप झूठे व्यभिचारी, तिन से भूल न कीजिए यारी। अब योग कैसे करता है इसको देखिए आप, यम नियम अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो वृत्तियां बाहर हैं वो अंदर आएंगी, सत्य बोलेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अस्तेय का पालन करेंगे, अपर ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप आए आसन पे, हमारा क्या बिलीफ सिस्टम है, देखिए एक्चुअली क्या है कि वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया वो बीमारी है जिसमें जो आप नहीं हो वो आप मानते हो। तो अभी हम मानते हैं हम शरीर हैं, ये सिजोफ्रेनिक में हम शरीर नहीं। तो योग वाले कहते हैं कि चल, ये नहीं कहते कि आप ऐसा मानो, बोले ठीक है आप शरीर हैं, आसन करिए। आप आसन कर रहे हैं, आपने हाथ उठाया तो आप हाथ तो नहीं है। तो धीरे धीरे आप इस बात पे आते हैं कि यार मैं शरीर नहीं हूँ, बिकॉज द बॉडी इज ओबिंग मी, बॉडी मेरे को मान रही है, मैं जो कह रहा हूँ वैसा चल रही है, तो बहुत शरीर तो मैं नहीं हूँ। फिर कहते हो यार फिर मैं क्या हूँ, तो आप कहते हो अरे मैं सांस हूँ, सांस आ रही है जा रही है, तब तक मैं जिंदा हूँ। फिर आप प्राणायाम करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, मैंने बी के एस अयंगर को देखा स्वयं, उन्होंने उनके लंग्स 95% खराब थे, 5% वर्क कर रहे थे, पर वो छाती खोल के उनकी फोटो है मुझे दिखाया,
वो उन्होंने बिना सांस लिए मुझे 10 मिनट वो आराम से रह गए और रोकी नहीं सांस। वो उन्होंने फिर मुझे बताया कि नाभि से भी सांस ले तो एनएस से भी सांस ले सकते हो आँखों, तो खैर एनीवे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सांस देखते हैं तो हम देखते हैं सांस को भी हमने कॉन्कर कर लिया है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ब्रेथ। तब आप कहते हो यार फिर मैं कौन हूँ, फिर आप प्रत्याहार पर आते हो, फिर आप अंदर जाते हो कि सर्च में कि यार मैं कौन हूँ, तब आपको पता पड़ता है कि आप चेतना हो, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो, सार्वभौमिक नहीं। फिर आप जब ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं चेतना हूँ प्रत्याहार के बाद, तब आते हो आप धारणा पे। ये धारणा आपकी प्रबल होती है कि यार हाँ मैं तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हूँ, चेतना हूँ, व्यक्तिगत चेतना हूँ। फिर आप जब ये धारणा पक्की हो जाती है तो आप ध्यान करते हो। ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, एफर्टलेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो है बट एफर्टलेस, उसमें एफर्ट नहीं है। तो जब इस विचार को आप पक्का करते हो कि मैं इंडिविजुअल चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, ये मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये सांस नहीं हूँ, तब आप जब ध्यान करते हो, ध्यान करते करते आप समाधि में जाते हो। समाधि में कब जाते हो, आप इंडिविजुअल चेतना क्यों होते हो, क्योंकि आपका ईगो, इंडिविजुअल ईगो जब तक चेतना के साथ जुड़ा रहता है तो व्यक्तिगत आप ध्यान की स्थिति में रहते हो, और जैसे ही ईगो मेल्ट हुआ आप सार्वभौमिक चेतना समाधि में चले जाते हो और परब्रह्म बन जाते हो। तो इंडियन फिलॉसफी को अचीव करने का साधन योग है और बड़ा साइंटिफिक है। इसको मैं जितना नमन करूं, इसलिए मैं हम बोलता हूं कि ये नर से नारायण बनाने की विधा है। और जब आप नर से नारायण बन जाते हो तो इसके अंदर ये इंटेलिजेंस बढ़ना, बीमारियाँ ठीक होना, ये छोटी छोटी बातें जी। और उसी लिए हम लोग आते हैं इस धरा पर नर से नारायण बनने के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। हम वो आत्माएं जो परमात्मा से बिछड़ जाते हैं और योग के माध्यम से उस स्थिति तक पहुँचें कि हम फिर से आत्मा से परमात्मा का हमारा मिलन हो जाए, यही योग की जो है सिद्धि भी है। लेकिन जैसा कि आध्यात्म के क्षेत्र में मैंने अपने गुरुदेव से भी पूछा था कि मेरी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसका भान कैसे होगा, कैसे पता लगेगा, तो उन्होंने कहा था कि आपके जीवन में दुनिया कितनी कम हो रही है। बस संसार कम हो रही है, संसार कम हो रहा है तो आपकी उन्नति हो रही है अध्यात्म के क्षेत्र में। तो क्या योग के क्षेत्र में भी कुछ पैमाने हैं जिससे इस बात को हम लोग माप सकें? कुछ हमारे साधना में बाधक तत्व होते हैं जी। बाधक तत्व में एक बाधक तत्व ये भी होता है कि जितना आप आउटर वर्ल्ड से जुड़ेंगे, बाहरी दुनिया से जुड़ेंगे, इसका अर्थ है कि हम बहिर्मुखी बन गए, और जितने हम आउटर वर्ल्ड से कटेंगे, ये नहीं है कि आप समाज से बिल्कुल अलग हो गए, लेकिन जितना आप कम संपर्क करेंगे और अपने आप से संपर्क करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। आदि शंकराचार्य जब नर्मदा नदी के ऊपर अपने गुरु को ढूंढने की खोज में 16 वर्ष की आयु में चले और जब उनको गुरु मिले तो गुरु ने उनसे पूछा कि आप, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो, तो उन्होंने कहा आप कौन हैं, तो उस समय उन्होंने 6 सूत्र बोले जिसको सटकम निर्वाण के नाम से जाना जाता है। 6 सूत्रों में उन्होंने बतलाया कि मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियाँ नहीं हूँ। उन्होंने हर चीज़ को पहले 5 सूत्रों में नकार करके कहा कि मैं निर्विकल्प हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं किसी से जुड़ता नहीं हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होती, मेरा जन्म नहीं होता, मैं माता नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं बंधु नहीं हूँ, मैं सखा नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध चित्त आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ही परमपिता परमात्मा हूँ, जिसका सीधा अर्थ होता है कि प्रभु और हम अलग नहीं हैं। उन्होंने केवल एक ये देह शरीर हमारे को दे करके हमें इस समाज में कुछ ड्यूटीज दे करके भेजा है, और हम यहाँ की जो ये सांसारिक माया है इसको देख करके अपने उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। योग एक ऐसा मार्ग है कि जब योग के मार्ग पर आप चलते हो तो ये जो भूल चुके हो इसको योग दोबारा आपको याद दिलाता है कि आपके इस जीवन का मूल्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, ये मानव देह क्यों प्राप्त किया आपने,
आपने परिवार बनाया, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, आपको शरीर मिला उसके लिए आप अपनी आजीविका कमाओ, लेकिन इसके अतिरिक्त फिर क्या, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? योग और आजीविका और जो अपने जीवन काल में हम लोग किया करते हैं वो प्रारब्ध से तय होता है। नहीं, आपने प्रश्न किया कि पैरामीटर्स योग में क्या है जी। बहुत सिंपल पैरामीटर होता है, बहुत सिंपल और बड़ा साइंटिफिक है। अगर मोह जाल की फांसी माई, वहां से भी शायद कुछ संदेश आ रहा है, ये संदेश अपने हृदय में
कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास, ध्यान में लीन होने का प्रयास, गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए कि मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। अब हम शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। दोनों हथेलियों को दर्शन कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट पर बैठे रहिए। जी हाँ, श्रीनगर से ये विहंगम दृश्य आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं और स्वयं भी वहाँ पर योग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम बता दें, डल झील जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए, उसके किनारे भी बड़ी संख्या में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो तस्वीरें देश भर से आ रही हैं उसमें ITBP के सैनिक योग करते हुए नज़र आए हैं और उनके साथ उनके पेट यानी उनके जो ट्रेंड कुत्ते हैं उनको भी हमने थोड़ी देर पूर्व दिखाया था कि किस प्रकार वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देश भर से और विश्व भर से आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 10 वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा पूरी होने पर देश को और पूरी दुनिया को शुभकामना संदेश भी दिया है श्रीनगर की पावन धरती से। दो विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप लगातार कह रहे थे कि जब भी ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर आता है तो भावना अपने पूरे चरम पर होती हैं आपकी, इसलिए आप भावुक हो जाते हैं। और ये दृश्य जो श्रीनगर से आ रहा है, ये जो संदेश प्रेषित हुआ है प्रधानमंत्री की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, कितना महत्वपूर्ण ये प्रतिबिंब जी, महत्वपूर्ण इतना है मैं ये मान करके चलता हूँ कि 2014 से लेके 2024 तक न जाने कितने करोड़ लोग जो पहले योग नहीं करते थे, आज वो भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से प्रेरित होकर के योग करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे कि एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि भविष्य में योग एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। जी, योग को देखकर थोड़ा सा एक भय था कि ये अगली दुनिया की कोई चीज़ है या फिर विशिष्ट लोग ही ये योग कर सकते हैं, वो एक जो भ्रांति है, जो एक दीवार है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुई है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने से। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो अभी ट्रेलर, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में कहूँ, ये तो अभी ट्रेलर है, हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति का छोटा सा ट्रेलर है ये, अभी तो पिक्चर आनी बाकी है।
बार बार कहा जाता है, वैश्विक रूप से कहा जाता है, और ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस प्रकार से योग को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, न केवल विश्व स्वीकार कर रहा है बल्कि उसको विस्तार भी दे रहा है अपने अपने तरीके से, तो ये भी कहा जा रहा है कि योग एक माध्यम बनेगा भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए। बन गया, भारत विश्व गुरु था, ये तो लुप्त हो गया था। अभी आपने जैसे फरमाया कि योग का पैरामीटर क्या है कि आप डेवलप कर रहे हैं, आप अगर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखेंगे तो वो सबके प्रति उनका स्नेह है, किसी एक के प्रति मोह नहीं है, ना परिवार के प्रति मोह। तो योग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है मोह, अटैचमेंट, मोह जाल की फांसी माई जीव फिरे बंदे, सारे हमारे यहाँ कहा गया है। तो प्रधान योग जो करता है उसके मोह के बंधन कटते हैं और वो सर्व को अपना प्रिय मानता है, और यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दुर्लभ गुण है, और वो मेरे ख्याल से तो योग के द्वारा ही आया है। योग के द्वारा आया। दिस जी, आप भी कुछ कह रहे थे इस पर? मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि हमने, आप देखिए कि पिछले 10 सालों के अंदर कितने करोड़ लोगों ने अपना योगाभ्यास शुरू कर दिया होगा जो उससे पहले नहीं करते। दूसरा ये कि योग करने की प्रतिबिंब की कोई आयु नहीं होती। आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, दो महीने का बच्चा या एक महीने का बच्चा, जब माँ उनको फीड कराती है, दूध पिलाती है, तो उसके बाद वो बाल क्रीड़ा आसन करने लगता है। एक बाल आनंद आसन होता है, पैरों के अंगूठे पकड़ करके वो मुँह के पास लाता है। तो वो उनको किसने सिखाया वो आसन? तो वो आयु भी आसन करने की है। और वृद्ध अवस्था में अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सूक्ष्म क्रियाएं तो करो भाई, आप गहरे लंबे श्वास तो करो। भ्रामरी प्राणायाम करने में क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है? आप, हम अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं, उसके 10 तरह के साइड इफेक्ट होते हैं, योग का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हाँ, एक बात जरूर सावधानी बरतनी चाहिए योग करने वाले को कि प्रारंभिक अवस्था में किसी योग निपुण योग शिक्षक की देखरेख में क्रियाओं को सीख लें, उसके बाद उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जी, संदेश भी लगातार आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट कर योग दिवस पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित किए हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में लिखा है, योग अपने सच्चे स्व को खोजने और प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने का विज्ञान है। ये प्राचीन प्रणाली आज की तेज रफ्तार दुनिया में और भी ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हम संतुलित टिकाऊ जीवन शैली चाहते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आइए हम अपने दैनिक जीवन में योग को शामिल करने का संकल्प लें। आइए हम स्वयं और समाज के लिए योग की भावना को आत्मसात करें। देजी, हम स्वयं और समाज के लिए योग की भावना को आत्मसात करें, तात्पर्य? इसका तात्पर्य दो चीजें हैं। पहले, हम अपने आप को स्वस्थ रखें। प्रतिदिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा हम सबको बना लेना चाहिए, ये विश्व स्तर पर मैं कहना चाहूँगा। जो व्यक्ति सुबह उठ कर के ऊषा पान कर, अगर सोच जा कर के कुछ शुद्धि क्रियाएं और स्नान करके एक घंटा, जिसमें कि 30 मिनट आसन, 15 मिनट वो कर लें प्राणायाम, 10 मिनट का ध्यान कर लें, 5 मिनट उस प्रभु को याद कर एक शांति पाठ प्रार्थना कर लें, केवल इतना करने से उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर तीनों तरह के लाभ वो प्राप्त करेगा। उसकी सोच अच्छी बनेगी, और जब वो ऐसा बन जाए तो अगर उसने यहीं पर ही अपनी साधना को बंद कर दिया तो ये स्वार्थ भरी साधना होगा, वो एक स्वस्थ जीवन तो जिएगा लेकिन समाज के लिए उपयोगी नहीं। योगी कौन? योगी जो दूसरों के लिए उपयोगी। आप दूसरों के लिए भी उपयोगी बने। अगर आपको चार अच्छी चीज़ें आती हैं और वो अगर आप समाज को नहीं दे रहे हैं तो वो किसी काम की नहीं है। तो अगर आपको योग आता है, आपने योग सीख लिया, आप योग करते हैं, आप स्वस्थ हैं, आप निरोगी हैं, तो आप अपनी अनुभूतियों को समाज में दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप किसी को आसन नहीं कर सकते तो आसन करने के लिए प्रेरित तो कर सकते हो। तो इसलिए प्रतिदिन जहाँ आप योग करके सुबह अपने आप को ठीक करते हो, अर्थात स्वयं के लिए योग करते हो, तो समाज के लिए, समाज को मार्गदर्शन करना, उनको प्रेरणा देना, योग केंद्र खोलना, लोगों को योग सिखाना, उनको योग की बातें, केवल आसन प्राणायाम में नहीं होती, स्वस्थ दिनचर्या योग का बहुत अच्छा हिस्सा है। आप उनको, और नहीं तो ये तो हम बतला सकते हैं कि सुपाच्य और सात्विक भोजन लें, समय पर लें, सायंकालीन भोजन श्याम
टाइम पर ले लें, आप सैर करें हर रोज़, आप स्वास्थ्य से संबंधित अगर हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो मेरा मानना ये है कि कम से कम जब आप वृष्ट आयु में पहुंचेंगे, आप वृद्ध अवस्था में पहुंचेंगे, आपको वृद्ध अवस्था का आभास ही नहीं होगा, आप स्वस्थ और सुखी जीवन जिएंगे। और जब जाना सबको है, लेकिन अगर मैं इसको रोगी काया बना करके, मैंने भगवान से शरीर मिला, बच्चे का शरीर कैसा होता है? सुंदर होता है, निरोगी होता है, कोमल होता है, अच्छा होता है, उसमें आकर्षण होता है। अगर मैं उस शरीर को बीमार करके रोगी काया के रूप में भगवान को वापस करता हूँ तो भी तो भगवान जी से संबंध गड़बड़ा। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ देह जाती नहीं, त्यागी जाती है। और वो त्याग केवल एक योगी कर सकता है, और योगी वही होता है जो योग के साथ अपना तादात्म्य कहीं ना कहीं स्थापित होता है। आपने समावेशी, यहाँ पर देसी ने समावेशी बनाने की बात की योग को, क्या तकनीक के माध्यम से, जिसका आप जिक्र बार बार करते हैं और जिसका आप समावेश करते भी हैं योग के साथ, क्या तकनीक को समाहित करके हम योग का और अधिक विस्तार कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत योग के आसनों को सिंप्लीफाई किया है। मतलब जरूरी नहीं कि आप ट्रेडिशनल योग, देखिए दो तरह का योग है, गृहस्थ के लिए योग अलग है और सन्यासी, ये योग की जो अवधारणा बनी है सन्यासी योग के लिए बनी है, जो कि ऑस्टेरिटी का जीवन जीते हैं, जो ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, जो अस्तेय का जीवन जीते हैं, अपरग्रह का जीवन जीते हैं, जो सत्य बोलते हैं, सत्य में आप आश्चर्य करेंगे, ये प्रयोग किया गया है कि अगर आप एक साल तक सत्य बोलें, सत्य सुने और सत्य मन में भी सत्य सोचें, तो आप एक साल बाद जो बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। वो जो हमारे यहाँ कहा करते थे ना तथास्तु, वो केवल इसीलिए था कि मन क्रम वचन से जी, सब वो सत्य का पालन किया करते थे। और सत्य का पालन जब किया जाता है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक वर्ष तक भी अगर कर लिया तो हमारी जीवा में सरस्वती विराजमान हो जाती है, और जो हम कहते हैं, मैं आपको उदाहरण दूं जी, देखिए 5 यम है, वैसे तो 10 है लेकिन 5 यम है। गांधी जी ने 2 नियम पकड़े, सत्य और अहिंसा, एंड ही बिकेम ए सुपर ह्यूमन बींग। अब आप खुद सोचिए कि अगर 5ों तो यम और 5 अगर नियम पकड़ लिए तो सुपर डुपर ह्यूमन बींग नहीं बन सकते। ये तो छोटी वो आसन प्राणायाम तो बात की बात है, ये तो मैं ये बता रहा हूँ। गांधी जी ने सिर्फ सत्य और अहिंसा पकड़ा और संसार में आज तक उनको पूछते हैं, सुपर ह्यूमन बींग बन गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक एक चीज़ का महत्व है, यम नियम को लोग भूल जाते हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे पावरफुल चीज़ है और इसका थेरोपेटिक यूज तो इतना जबरदस्त। ये तो एक तरीके से नींव हो गया ना, अगर किसी इमारत की नींव कमजोर होगी या नींव होगी नहीं तो इमारत खड़ी भी नहीं होगी और मजबूत भी नहीं होगी। तो यम नियम मतलब इसका थेरोपेटिक उपयोग हुआ है, एक डॉक्यूमेंटेड है। एक जैनी व्यापारी थे, उनके थ्रोट कैंसर हो गया आज से 20 साल पहले, और उनके उस वक्त तो कोई इलाज ही नहीं था और वो पानी भी नहीं पी सकते थे। उन्होंने सिर्फ ये विचार किया कि मैं सत्य बोलूँगा, मैं किसी के प्रति मन से भी अहिंसा नहीं रखूँगा और किसी की चीज़ नहीं लूँगा, ये सारे विचार किए डबल, और सुबह उठ के वो जप करते थे। धीरे धीरे पानी पीने लग गए और धीरे धीरे उनका थ्रोट कैंसर ठीक हो गया, डॉक्यूमेंटेड है और ये नवनीत में छपा था, मैं गलत, उनका नाम पता सब है। और उसके बाद फिर वो जब ठीक हो गए तो दुकान पे गए एक दिन और उन्होंने देखा कि लड़का बेवकूफ़ी करा है, उनका इतने पैसे आ सकते हैं, तुरंत गले में दर्द हुआ, वो सब छोड़ के वापस आ गए। तो मेरा मतलब ये कि यम नियम की थेरोपेटिक वैल्यू ज़बरदस्त है। आप अगर मन को अस्वच्छ बनाए, अपने पवित्रता से जीवन जिए, तो किसी की चीज़ की इच्छा नहीं करें, अपने को जो मिल रहा है वो जो अपने काम, देखिए नीड और रिक्वायरमेंट डिज़ायर, इसकी बहुत फ़र्क है चीज़ें। आपको नीड है और डिज़ायर है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो प्रकृति करती ही जी, है जी जी बस, लेकिन हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, हमारा जो लालच होता है उसकी पूर्ति नहीं होती है, और जब हम उसके पीछे भागते हैं तो हम मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। एब्सोल्युटली, हमें एक बात बड़ी शॉर्ट में योग के बारे में जरूर समझ में आनी चाहिए जी, कि यम समाज को अच्छा बनाते हैं। जब हम यमों का पालन करते हैं तो समाज अच्छा बनता है, जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हम खुद अच्छे बनते हैं, जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो मन स्वस्थ बनता है,
और प्राणायाम प्रत्याहार का जब आप प्राणायाम करते हैं तो मन अच्छा बनता है। जब प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं तो आपकी एकाग्रता का स्तर बढ़ने लगता है, और जब आप धारणा करते हैं तो चित्त एक जगह टिकने लगता है, और जब आप ध्यान करते हैं तो उसको अभंग धारणा कहते हैं, और जब समाधि में चले जाते हैं तो ईश्वर की अनुभूति होती है। ये जो 8 सोपान बतलाई हैं महर्षि पतंजलि ने, ये वास्तव में ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं। और लेकिन ये जो है, कहा जाता है कि दामन है अगर साफ तो खास एहतियात रख, इस पर लगा हुआ दाग छुपाया ना जाएगा। जब हम यम नियम धारणा और योग के तो, जो है अलग अलग सोपानों को प्राप्त करते जाते हैं तो शुद्धिकरण हो जाता है, और ये माना जाता है कि शुद्ध और पवित्र और साफ चीज़ों पर को गंदगी से बचा कर रखना चाहिए। जितनी उसमें सफाई होती है, स्वच्छता होती है, उसमें दाग लगने नहीं, का पर इसमें फर्क है जी। ये ऐसा है जैसे नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा था कि क्या योगियों को या फिर योग अभ्यास करने वालों को थोड़ा सा आम लोगों से निकटता कम करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यही आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि आप कमल की तरह हो जाते हो। अच्छा, पानी डाले जाइए, कमल पे पानी टिकेगा नहीं। मैं ये अनुभव से कह रहा हूँ, मैं मतलब सुन सुना के पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा हूँ कि आप जब योग करिए आपका मन संसार से अपने आप मतलब आपको इसकी संसार में रहेंगे भी, लेकिन संसार जी, में जी, रहेंगे बिल्कुल, और आप अपना कर्तव्य करते रहेंगे, और आपके अंदर लोगों से सबसे अटैचमेंट होगा प्रेम भाव। रामायण में काम कहा गया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सबसे प्रेम करेंगे तो आप प्रेम सबसे बड़ी थेरोपेटिक कुंजी है, ये रामायण में कहा है, मैंने नहीं कह रहा हूँ, और इसको अनुभव किया है। अब जैसे आपने माननीय उपराष्ट्रपति जी का कहा, उपराष्ट्रपति जी सबसे बड़ा हास्य योग करते हैं, वो खुद भी हंसते रहते हैं और हंसाते रहते हैं। अगर कोई उनके साथ रहा तो पहले कहा कि वो चुप रह ही नहीं सकते, यू आर ऑलवेज लाफिंग। तो ये तो उनकी स्वास्थ्य का, उनके लगते लंबे चौड़े व्यक्तित्व का एक बहुत अभिन्न अंग है हास्य योग। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपके योग एक तरह का ये अष्टांग योग ही नहीं है, जप योग है, स्वर योग है, नाद योग है, अनाहत योग है, कितने प्रकार के योग हैं और सब साइंटिफिक हैं। मतलब साउंड हीलिंग तो आजकल वर्ल्ड मानने लग गया है। पहले वर्ल्ड ये मानता था कि मैटर और एनर्जी अलग अलग है, मैटर इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैटर। हमारे यहाँ बहुत पहले कहा गया है बात, पूर्ण से पूर्ण मादा या पूर्ण में वावश, मतलब तो उसमें वो क्या था। अब जैसे शरीर के अंदर एग्जांपल, सब लोग कहते थे, हम पहले कहते थे तो लोग कहते थे हो ही नहीं सकता। अब साइंस वाले कह रहे हैं कि विचार एनर्जी है। विचार जब आते हैं तो, और मान लीजिए खतरे का विचार आया तो आपके शरीर के अंदर एड्रेनलिन रिलीज हो जाता है, तो एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैटर, और दैट मैटर जो एड्रेनलिन का मॉलिक्यूल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि आप फाइट और फाइट फ्लाइट कर सको। अगेन द मैटर इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, हमारे योग शास्त्र में भी ये कहा गया, अब साइंस भी ये मान रही है। उसके ऊपर हमारे कहा गया कि सर्वत्र ब्रह्म मतलब एनर्जी। अब मैक्सवेल जिससे क्वांटम थ्योरी जिसने प्रपाउंड करी है, उसको जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उसने तो ये कहा कि देर इज नो मैटर, इज ऑल एनर्जी। वही हमारे कि सर्वत्र ब्रह्म खलि सर्व खलिदम ब्रह्म, सर्व ब्रह्म है। तो मैं साइंस और जब मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ जब मैं ये इस तरह की हमारी पुरातन और साइंस को जब मिलते हुए देखता हूँ तो मेरे आंखों में सहज आंसू आ जाते। अभी आपने एक बात का जिक्र किया था जो हम ऑन कैमरा शायद नहीं कर पाए, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। आपने कहा था कि किस तरीके से योग के माध्यम से दीर्घ आयु हो जाता है, उसको बाकायदा अमेरिका के डॉक्टर्स ने रिकॉर्ड किया, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए वो है, ये है कि लॉन्जिविटी के बारे में आपने जैसा फरमाया कि अमेरिका में रिसर्च हो रही है, लगे हुए हैं सारी दुनिया के साइंटिस्ट, उन्होंने लॉन्जिविटी, एक लेडी है कैंडी शायद उनका नाम है, नाम शायद हो सकता है इधर उधर हो जाए, पर उन्होंने ये पाया कि हमारे हर सेल के अंदर एक DNA होता है, DNA के टिप पे एक चीज़ होती है जिसको कि उन्होंने नाम दिया है टेलीमोर, और ये उन्होंने पाया कि हमारे सेल डिवीजन होता रहता है, लगातार होता रहता है। तो वो जब सेल डिवीजन होता है तो टेलीमोर की लंबाई भी घटती है, छोटी होती है क्योंकि टेलीमोर वो भी डिवाइड होता है। पर ये पाया गया कि जिस व्यक्ति का भी टेलीमोर लंबा होता है
वो व्यक्ति दीर्घायु और स्वस्थ रहता है। अब ये बात निश्चित हो गई, पर अब टेलीमोर सब्जेक्टिव हो गया, किसी का है किसी का नहीं है। पर जब इसके अंदर और रिसर्च की गई तो पाया गया कि टेलीमोर की लंबाई, एक हमारे यहाँ एंजाइम होता है टेलीमार्स, वो जिसके अंदर ज़्यादा होता है उसका टेलीमोर लंबा हो जाता है या लंबा रहता है। अब डॉक्टर डीन ऑर्निश और जो ये लेडी है कैंडी, जिसको कि मुझे याद नहीं 2009 में शायद नोबेल पुरस्कार मिला था, मुझे एग्जैक्ट रियर याद नहीं है, उन्होंने एक रिसर्च करी, उन्होंने 30 लोगों को योग कराया, 30 लोगों को योग नहीं कराया, उनके टेलीमार्स एंजाइम की मात्रा पहले निकाली, कैलकुलेट करी कि इतनी मात्रा है, इतनी मात्रा है। अब जब योग कराया जिन लोगों को, तो उन्होंने डॉक्टर डी नॉर्निश जो सिएटल में वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं और वो कैंडी दंग रह गए, उन्होंने पाया कि योग करने वालों का टेलीमारेज 30% बढ़ गया था एक महीने में। तो कहने का मतलब है कि लॉन्जिविटी बढ़ गई, योग करने से लॉन्जिविटी बढ़ती है, ये साइंस ने एस्टेब्लिश कर दिया। जी कौन कौन से ऐसे देशराज जी, कौन कौन से ऐसे योग हो सकते हैं या टोटैलिटी में योग करने का प्रभाव होता है? हर क्रिया का प्रतिबिंब जी अपना प्रभाव है। जब आप आसन करेंगे, देखिए एक और कमाल के का दृश्य आ रहा है श्रीनगर से ही, प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं डल झील के समीप, सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने वालों के मध्य। ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये अपने आप में कमाल है। जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आपकी बातों का, आपके एक्शन का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल सी बात है, योगी क्यों अट्रैक्ट करता है, संतों के पास जाए क्यों आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका मोह नहीं है अपने किसी से, ना बेटे से है, ना पति से है, ना भाई से है, ना इससे मोह नहीं है। जब आपका मोह नहीं होगा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, तो आपका प्रेम जो है वो सब में बटेगा। और जब सब प्रेम की भाषा जानवर भी समझता है और इवन सांप भी समझता है, तो जब आपका प्रेम, तभी योगियों के पास कोई भी जो जानवर पशु कोई खतरनाक जीव जंतु भी आ जाए तो उनमें भय नहीं होता, भय नहीं होता, मारते नहीं। ये हिंसा की प्रवृत्ति तो इंसानों की है मारने की, बिल्कुल जानवरों की भी नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए देवरा बाबा जी, उनके नेपाल के राजा उनके शिष्य थे। देखिए प्रधानमंत्री किस तरीके से सबसे मिलते हुए, और हम आम जीवन में जो है किस तरीके से प्रेम की परिभाषा को घड़ते हैं, लेकिन प्रेम की अगर बात करें तो उसमें कोई सीमा नहीं होती, प्रेम में भेदभाव नहीं होता, और उसके परिचायक बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसीलिए वैश्विक तौर पर उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनके वचन में ये परिलक्षित होता है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, और इसमें ये अंदर की उनकी भावना परिलक्षित होती है, और ये योग से ही आ सकती है, ये ऊपर से लाई हुई भावना नहीं है जी। हाँ, इसमें ये साफ दिखाई देता है कि योग वास्तव में प्रेम बांटने की विद्या है। वे जो योग है वो हमारे भीतर के नफरत और नकारात्मक भावों को खत्म करके हमारे भीतर सकारात्मक भाव पैदा करता है, और जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आसपास की ऊर्जा को भी नकारात्मक ऊर्जा अगर कोई होगी, जैसे अहिंसा का पालन करने वाले के पास वो शक्ति आ जाती है कि वो हिंसक प्राणी को भी अहिंसक बना देती है। तो ये वो एक आपको ये देखिए, कहीं ना कहीं अगर इसको दूसरी तरफ जोड़ा जाए, आज से कुछ दिन पीछे चले जाइए, कश्मीर के अंदर हिंसा देखने को मिला करती थी, आज वो कश्मीर कहीं ना कहीं अहिंसा के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है, और ये इस योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से इसे हम स्पष्ट रूप में अनुभव भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, युग है जोड़ने का, और प्रधानमंत्री जोड़ने यानी कि योग को वो एक माध्यम बना रहे हैं, और प्रधानमंत्री का ये प्रयास रहा है योग को अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक महोत्सव के रूप में मनाए जाने का, और उनका ये प्रयास सफल रहा 2014 में जब यूएनओ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 87 से अधिक देशों ने उसका समर्थन किया, और सबसे कम समय में जो यूएनओ का कोई प्रस्ताव पारित हुआ
वो यो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रहा है। लगातार हम लोगों ने चर्चा की और योग एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी चर्चा करेंगे उतनी ही नई परत सामने आएगी। एक बात में और जोड़ दूं, एक शब्द और जोड़ दूं कि योग जो है इंडिया की प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल प्रस्ताव लाके बहुत चमत्कारी काम किया है, वो शायद बहुत कम लोग उसको पहचान पाए। इंग्लैंड की पावर, सॉफ्ट पावर है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। प्रधानमंत्री ने योग को हिंदुस्तान की जबरदस्त सॉफ्ट पावर बना दिया है, ये सटल है। और योग के बाद आप देखिएगा आयुर्वेद भी बहुत प्रचलित होगा, और आयुर्वेद प्रचलित होगा तो बहुत सारा एक्सपोर्ट होगा हर्बल का। तो प्रधानमंत्री ने बड़ा लंबा गेम खेला है। हाँ, मतलब केवल ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, योग रोजगार से जुड़ा हुआ भी है, बिजनेस भी है। हम देख रहे हैं कि एक मोटा आंकड़ा था कि किस तरीके से योग से जुड़े हुए केंद्रों की संख्या में इजाफा हुआ है, न केवल भारत में वैश्विक तौर पर। और जो योग करने वाले योग शिक्षक हैं उनकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये भी देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास के अंदर योग एक बहुत महत्वपूर्ण और सहयोगी भूमिका निभा रहा है। मैं इसमें छोटी सी बात और ऐड करूं, मेरी मदर ने पहली बार संसार में 5-स्टार होटल में योग स्टार्ट किया। अच्छा, पहली बार। और आज हर छोटे बड़े होटल के अंदर एक योगा टीचर है, इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उन्होंने किया। और होटल के अंदर उनको शुरू में जो पीपाड़ी बजाने वाले हैं, कठपुतली वाले, उनके कंपेयर में रखा गया, बट थ्रू आर एफर्ट्स उन्होंने योग को वहाँ खड़ा कर दिया कि आज हर होटल के अंदर छोटे बड़े में आपको योगा टीचर मिलेगा। ये बड़ा ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। और ऑनलाइन क्लासेज जो लड़कियाँ ले रही हैं, कर रही हैं, इसकी अगर आप डेटा लेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा करोड़ों में। दूसरे ढंग से भी देखिए, जो व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा जी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसकी आयु ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा काम भी करेगा, और वो देश के लिए ज़्यादा आर्थिक अर्थ या धन भी कह सकते हैं कि आम के आम, गुठलियों के दाम। यानी आप योग के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन को, बुद्धि को आप संतुलित रख सकते हैं, उसको स्वस्थ रख सकते हैं, और साथ ही साथ रोजगार का एक आधार भी, एक जरिया भी योग को बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह से तस्वीरें आई, हमने आपके साथ साझा की, उसमें से एक विशिष्ट तस्वीर थी श्रीनगर की, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, उन्होंने योग किया, और वहां की तस्वीरें इतनी विहंगम थी। डल झील के किनारे आप देख सकते हैं, संख्या गिन नहीं सकते, इतने लोग वहां पर मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने के लिए। आप भी योग करें, अपने मन बुद्धि को जो है संतुलित बनाएं, और अपने जीवन को आरामदायक बनाएं, और इससे अगर चाहें तो अपना एक रोज़गार भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपका अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, देसराज जी आप जुड़े, और बहुत ही विशिष्ट जानकारियाँ मुझे लगता है कि केवल इस चैनल के माध्यम से लोगों तक, दर्शकों तक, भारतवासियों तक पहुंची होंगी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।